हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू बन्नी व्लॉग्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ चने की दाल की सब्जी और रोटी। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है जिसमें दाल हो रही है, क्योंकि सब्जी मेरे पास जाना है, जल्दी जल्दी कर लो। तो मैं बनाती हूँ चने की दाल, कुकर हो रहा है जब तक गुदूंगी मैं आटा। यहाँ मैं सब्जी के लिए कट कर रही हूँ टमाटर, हरी मिर्च और प्याज। पता है इसको देख के आपको क्या नजर आ रहा है? जो जो समझ गया कमेंट में जरूर बताना कि इसे देख के आपको क्या नजर आता है, ये तीन कलर्स को देख के जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। बहुत से समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पता है कैसे तेंदुआ ने भयंकर कड़ा काटा बोला था, इतना कड़ा काटा कि बाप रे बाप, उसमें मैंने कम से कम एक ग्लास पानी डाला जब जाके वो नरम हुआ। इतना कड़क आटा, सोचो कैसे रोटी बनाते होंगे। और उनको वो भी गीला लगा, क्योंकि ये भी गीला है। गीले आटे की रोटी बहुत अच्छी बनती है। और मैं रोटी बनाते बनाते तीन बार प्रिंसी पास चले गए। प्रिंसी इतनी रोई भयंकर, तीन बार रोटी छोड़ के उसके पास जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से अभी सोई है वो, इतनी जिद्दी आती है उसको सोने की कि बहन का बहुत रोई, बहुत ज्यादा। आज पता है मैंने आज पानी भी नहीं पिया सुबह उठते से, क्या बोलूं, जल्दी जल्दी इतनी थी कि पानी भी नहीं पी पाई। अब स्टैंड साफ करूं उसके बाद में पी। टाइम हो रहा है 11:30 और मुझे लगी है भूख। शिवाय अभी तक सोकर उठे नहीं हैं, क्योंकि रात भर उन्होंने बेन को संभाला, लाइट चली गई थी। तो 1 बजे लाइट गई तो सुबह 4:30 बजे लाइट आई, तो मैं तो आराम से सोई भी थी, शिवाय ने ही उसे संभाला और अभी वो सो रहे हैं। मैं जब तक खाती हूँ खाना, क्योंकि मेरे से भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, जल्दी जल्दी खाती हूँ। मैं खा रही हूँ यहाँ पे चूर चूर के चने की दाल की सब्जी, रोटी और प्याज। मैं यहाँ साफ कर रही हूँ बर्तन, इधर घूम रहे हैं बिना नहाए धोए। आपको इसमें दिख चुका होगा निकलते हुए हल्की सी झलक, और प्रिंसी इधर सो रही है। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ करती हूँ, प्रिंसी को उठाकर मालिश करके नहलाना है, नहीं तो वो अभी सोई है, अभी मालिश करके नहला दूंगी, तो फिर वो नहीं सोई। थैंक यू हर्षिता, आप मेरे इतने बड़े बिग फैन हो। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। प्रिंसी को देख सकते हो, ये उड़ गई है, आज इसको निलाना नहीं है, क्योंकि टाइम हो गया है 12। ये आज देर से सो के उठी है, महालसी गौर बच्ची है ये। क्या है प्रिंसी, ये मुँह हाथ धो और तैयार हो। छत्रपति छत्रपति फ्रेंड्स, तो टाइम हो रहा है, देर बज चुकी है, 1:50 और हम खा रहे हैं खाना, क्योंकि हमारी प्रिंसा सुबह से बहुत परेशान कर रही है। हम नहीं, सिर्फ आप, क्योंकि मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं सिर्फ खाऊंगी यहाँ पे लड्डू, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे पेट भर कर खाना खा लिया है। अभी टाइम हो रहा है 2:20 और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, और प्रिंसी उधर उठ गई है, उसके पापा उसे संभाल रहे हैं। प्रिंसी की नींद खुल गई है, हमारे बाबू जग गया है। आओ का कर ले हो, नीनू खुल गई आपकी, नीनू खुल गई, हाँ खुल गई नीना। ये प्रिंसा को देखो, ये मस्ती कर रही है, और ये आपकी दीदी घोड़े बेच के सो रही है। गुड मॉर्निंग, ये देखो फ्रेंड, ये घोड़े बेच के सो रही है, और हमारी छोटी सी जानूली कैसे देख ली, हाय कर दो बाबू सबको। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 5:10 और मैं आज खाने में बनाने वाली हूँ दाल चावल और चटपटे चने। आप सोच रहे हो चटपटे चने कैसे, मैं बताती हूँ आपको। ये जो चने हैं, इसे मम्मी ने दोपहर में भिगो दिया था गर्म पानी में, जो अच्छे से एकदम फूट चुके हैं। अब मैं नमक डाल के सीटी आ लूँगी जब तक कि पूरे पक नहीं जाते तक, फिर मैं इसे बघारूँगी चटपटे टमाटर प्याज हरी मिर्च कोथिमीर वगैरह डाल के,
इसके साथ इमली की चटनी भी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ कोई खाता नहीं है तो मैं बनाती हूँ। ये वड़ी चूरी कर मैंने यहाँ चनों को धोकर अच्छे से डाल दिया है और इसमें नमक भी। क्या बना रहे हो? मैं दाल चावल और चटपटे चने। दाल चावल और चटपटे चने क्या होता है ये? पाव पर कर लो, सिर नीचे कर लो, माला पड़ जाए। तो गाइस हमारे घर बन रहा है दाल चावल और चने, चटपटे चने। कैसे आपने खाए क्या कभी चटपटे चने? नहीं खाए हूँ मैंने तो नहीं। अरे जैसे मैंने कभी खिलाए दो गाइस। हाय फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने चने का कुकर चढ़ा दिया है, अब मैं कट करूंगी प्याज टमाटर हरी मिर्ची चने पकाने के लिए। पापा ले आए कोतमीर। तो मैं जा रहा हूँ अभी खेत में, मेरे को करना है काम। तो भी मैंने घर निकल रही खल लिया, तो मुझे जाना है खेत में लेने। खेत में जा रहा है, हाय गाइस, ये हम है, ये हम घर आ गए घरवान से। ये पूंछा पूंछा है, ये तैयार होके कहाँ जा रहा है? अभी कुछ अंडा है, नया नहीं अच्छा पूंछा, अब तैयार होगा। अब रेडी हुआ होगा, रही प्रिंसी की दादी माँ के पास। मम्मी यहाँ तोड़ रहे हैं फल्ली जो आई है खेत में। पापा लेके आए फल्ली, ये पापा खेत में से फलियां ले लेके आ रहे हैं और मम्मी यहाँ तोड़ रहे हैं गिली गिली फल्ली। मम्मी इतनी गर्मी में तुम बनियान पहन लिए ये खेत की, तुमको ज्यादा पसीना आएगा तो फिर जी नहीं घबराए। लपट लग रही है मम्मी को, लपट लग रही है। चुको देखो भेड़ गए मेरी बच्ची के पापा। पाल बिछा फटाफट मैं यहाँ खा रही हूँ मूँगफली ताजी ताजी खेत से तोड़ी है, अभी बाहर मम्मी पापा वही तोड़ रहे हैं। मैं थोड़ी सी ली है तो खा लेती हूँ, ज़्यादा खाऊंगी तो प्रिंसी को खांसी आएगी। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, गर्मी इतनी खतरनाक है, पसीना देखो मेरे फेस पर। अब क्या कर सकते, खाना बनाना पड़ेगा। पंखा चालू करूँ ना तो गैस बुझ जाएगा। यहाँ दाल हो गई है, अब मैं इसे बॉईल करूँगी नमक हल्दी डालकर। और अभी मम्मी का फोन आया था, बोल रहे थे कि अद्विक ने हम सबसे इकट्ठी कर ली है। वो बोल रहा है कि मेरी बुआ कब आएगी, मेरी प्रिंसी कब आएगी, मेरे को मेरी क्वीन से मिलना है, जल्दी उसको लेके आओ। बोला बेटा अभी मैं नहीं आ सकती। तो बोले क्यों नहीं आ सकती, जल्दी घर आओ। मम्मी बोले आ जा बेन, तू आ जा। वो याद कर रहा है, बोला मेरी पूजा बुआ भी नहीं आती, सीतू बुआ भी नहीं आती, पायल बुआ भी नहीं आती, सब मेरे को छोड़ के क्यों चले जाते हो, आप मेरे घर ही रुक जाओ, आप मत जाना। बोला बेटा मैं आऊँगी बहुत जल्दी, अब क्या करूँ, मन तो है जाने का बट नहीं जा सकती।
क्योंकि 2-3 दिन के लिए अभी खरगोन बंद है। यहाँ से खरगोन जाओ तो पुलिस मारती है डंडे, दे दनादन जोर जोर से डंडे खाना हो तो जाओ, इसलिए नहीं जा सकते। और हाँ, जाने को तो चली भी जाओ, बच्चा है, बच्चे के हिसाब से छोड़ देंगे वो, लेकिन मम्मी शादी में जाएंगे, कल जाएंगे, फिर 6 तारीख को जाएंगे, फिर 8 तारीख को जाएंगे, ऐसे मम्मी शादी में जाएंगे, क्या करना मैंने, मन तो ये चली जाओ, देखूंगी बाद में। अरे जा जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ना तुम कमान क्या बोल रहा? अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अब इस दाल में डालूंगी। मेरी जिठानी के बच्चे यहाँ आते हैं स्पेशल फोन चलाने के लिए, सुबह से उठते हैं ना कुछ खाना पीना, डायरेक्ट बिस्तर में से उठ के यहीं पे आते हैं। फोन दादू फोन। मैं तो भगा देती हूँ, बोलती बेटा जाओ पहले नहा कर आना, उसके बाद ही फोन मिलेगा। नहीं, हमको तो अभी फोन चार्ज तो सकते। मैंने भयंकर तरीके से डराया जब उसकी मम्मी उनको लेने आई थी कि चलो बेटा घर चलो नहा कर आना, तो काई थी हमको नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं खाएंगे, उनको तो फोन चाहिए। मेरे से डरते हैं सब। मैं उनको बोलते चुपचाप बैठ जाता है बेचारे। और जो पीके ना जिसके कान ऐसे है, मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था, सब टाटी दो दे ऐसा ऐसा करके मुझे बोलता है कि मोबाइल दे। उसको ना गाय भैंस वगैरह ही पसंद है, बाकी कुछ ही नहीं पसंद। फोन चलाएगा उसमें कार्टून नहीं देखता, गाय भैंस को ही देखा करेगा दिन भर। अरे क्या मिलता है, और वो गाय दिखी गंगा आजा, भैंस हमको चारा खिलाएगा, गाय को चारा खिलाएगा, पानी पिलाएगा, उनके सामने जाके रख देगा बर्तन, पियो पानी। मतलब उसके पापा खेती करते हैं, दिन भर गाय भैंसों के पास ही रहते, इसलिए वो भी उनके साथ ही रहता है। इधर मेरी दाल बॉईल हो रही है, जब तक मैं यहाँ रख देती हूँ चावल मैंने धो लिए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी पानी। सत्यम भैया प्रिंसी को यहाँ छोड़ गए रोटी। ये आप देख सकते हो मैं इधर खाना बना रही थी, सत्यम भैया ने प्रिंसी को यहाँ छोड़ के चले गए। वो बेचारी अकेली रो रही है, कोई नहीं है उसके पास। आओगे दिख रहा भुक्कू लगी मेरे बच्ची को, डूडू पीना है। हाँ देती हूँ बेटा, चलो ठीक है, मैं बुबू देती हूँ आपको। कैसी हाथ बिचारी चूस रही, इसको भूख लगी बहुत, 2-3 घंटे हो गए मैंने इसको दूध नहीं पिलाया। उसकी आईज देखो कितनी प्यारी है, और इसके दोनों हाथों में 6 फिंगर, एक इधर छोटी सी है और एक इधर ये रही 6 फिंगर, हमारी किस्मत वाली बच्ची है। और ये पालना उसके दादा दादी ने बनवाया, वो पालने में से गिर जाती थी इसलिए। क्यों मेरी बच्ची को छोड़ के कहाँ गए थे तुम, क्या करने? इनका भी बचपना नहीं गया, देखो नहीं सदमे, तुम पागल हो जाओगे। आए आए। तो टाइम हो रहा है 7:45 और हम खा रहे हैं खाना। खाने में हमारे आज बना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे यहाँ खाने में आज बना है फिक्की दाल चावल और चटपटे चने और अचार, भोजन का राजा नमक। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 11:37 और हम यहाँ खा रहे हैं चनों में प्याज टमाटर कोतमीर सेव और नींबू डाल के। मेरे महादेव बैठे, इनको लगी है भूख, देख रहा हूँ भजन संध्या, और इनको भूख के साथ साथ इनका फेवरेट सिंगर आए हुए हैं तो उसका लाइव शो देख रहे हैं, शिवाय के फेवरेट सिंगर खाटू श्याम के सिंगर। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपको इससे भी प्यारी प्यारी वीडियोस मिलती रहेगी। और प्रिंसी यहाँ सो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।